नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। कैसे हैं आप लोग? आप जैसे भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ पर जो बेल आइकन का बटन, उसे ज़रूर दबाएँ। बटन दबा के ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, मेरा एक सपना है कि मैं मेरे हर एक YouTube सब्सक्राइबर के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। मैं आप लोगों को ले चलता हूं स्क्रीन पर। दोस्तों, आज जो स्टॉक एनालिसिस करेंगे उसका नाम है बैमसेल सिक्योरिटीज लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 3.41 रुपीज़ पे। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। स्टॉक ने जो मैक्सिमम टाइम में रिटर्न दिया है वो दिया है 305.95%। 5 ईयर जो रिटर्न दिया है वो दिया है 0.59%। 1 ईयर में रिटर्न दिया है 315.85%। ईयर टू डेट जो रिटर्न दिया है वो दिया है 210%। 6 मंथ में जो रिटर्न दिया है वो दिया 60.85%। 1 मंथ में जो रिटर्न दिया है वो दिया 63.16%। और 5 डेज में जो रिटर्न दिया है वो दिया 20.92%। एंड 1 डे में जो रिटर्न दिया है 4.92%। जैसा ही देख रहे हैं 1 डे में ये अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, भी हम आ गए स्क्रीनर वेबसाइट पर। यहाँ पे हम ऑडिटेड एनालिसिस करेंगे बैमसेल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का। कंपनी के बारे में जानते हैं, बैमसेल सिक्योरिटीज़ इज़ एन इंडिया बेस्ड कंपनी। जो कंपनी है बेसिकली इंडिया बेस्ड कंपनी है, भारत की कंपनी है। विच इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डीलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी। जो कंपनी जो बिजनेस करती, जो धंधा करती, जो व्यापार करती है वो डीलिंग एंड इन्वेस्टिंग करती है इन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ में। द कंपनी इज़ ऑल्सो एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। जो कंपनी है दूसरा भी जो धंधा करती है, जो व्यापार करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये करती है, प्रोवाइड करती है। सच एज स्पॉट फाइनेंसिंग, जैसे कि स्पॉट फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एकोमोडेशन और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एकोमोडेशन के लिए ये करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एकोमोडेशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एकोमोडेशन के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड इन अदर सिमिलर फाइनेंशियल सेक्टर, और दूसरे इसी तरह के फाइनेंशियल सेक्टर में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैं चलता हूँ आप लोग इसकी वेबसाइट पे। दोस्तों, जैसे कि हम आ गए हैं वेबसाइट पे बैमसेल सिक्योरिटीज लिमिटेड की। दोस्तों, ये कंपनी की वेबसाइट है और यहाँ पर कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। वेबसाइट पर आपको लाने का मकसद एक ही है कि कभी कभी कंपनी की वेबसाइट खुलती नहीं है, और यहाँ पर जैसे कि आप वेबसाइट देख पा रहे हैं खुली हुई है। तो आप दोस्तों वेबसाइट पर आकर कंपनी के बारे में पूरी ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वेबसाइट में डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को वापस ले चलता हूँ स्क्रीनर पे। इसकी जो मार्केट कैप है वो है 11.1 करोड़ की है। जो इसकी करंट प्राइस है 3.25 रुपीज़। फिफ्टी जो हाई है वो 4.90 रुपीज़ का, जो लो है वो है 67 रुपीज़ का। इसकी जो बुक वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। जो इसकी डिविडेंड यील्ड 0 की है, आरओसी 0.03% की, आरवी जो है 0.05% की है। जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ की है। जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, बैमसेल सिक्योरिटीज लिमिटेड काफ़ी शानदार रिटर्न दिया हुआ है इस स्टॉक ने पिछले 1 सालों में। कंपनी को क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट पे, कंपनी लगभग कर्जमुक्त कंपनी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.30 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है 0.30 टाइम्स के बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -58.81% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -58.81% की। प्रमोटर्स होल्डिंग, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, 10.83% है।
कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -0.50% फॉर लास्ट थ्री ईयर, पिछले 3 साल में जो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लो है, -0.50% का है। फिर कंपनी से चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, जो इंडस्ट्री है इसकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की है, इस सेक्टर में जो नंबर वन कंपनी है बजाज फाइनेंस है, देन बजाज फिनसर, उसके बाद SBI कार्ड्स है, देन HDFC AMC, उसके बाद मुथूट फाइनेंस है, देन बजाज होल्डिंग्स है, उसके बाद चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, नंबर 8 पे बैम्सल सिक्योरिटीज़ है। हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं दोस्तों, September 2018 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 0.60 करोड़ का था, और June 2020 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है -0.01 करोड़ का। September 2018 में इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 0.59 करोड़ का था, और June 2020 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है -0.01 करोड़ का। September 2018 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था 0.39 करोड़ का, और June 2020 में जो नेट प्रॉफिट है वो है -0.02 करोड़ का। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं बैम्सल सिक्योरिटीज लिमिटेड का, March 2010 में जो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी वो थी 0.19 करोड़ की, और March 2020 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 0.03 करोड़ की। March 2010 में जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 0.16 करोड़ का, और March 2021 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 0.01 करोड़ का। March 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो थी 0.11 करोड़ की, और March 2021 में जो नेट प्रॉफिट है वो है 0.02 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में आप देख रहे हैं पिछले दो तीन साल है उसमें आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो नेट प्रॉफिट थी वो नेगेटिव हुई थी, अभी पॉजिटिव में आई है नेट प्रॉफिट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ चेक करते हैं, 10 ईयर्स में -40%, 5 ईयर्स में -59%, 3 ईयर्स में -65%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं, 10 ईयर्स में है -26%, 5 ईयर्स में है -45%, 3 ईयर्स में है -54%। स्टॉक प्राइस ईयर 10 ईयर्स में -12%, 3 ईयर्स में है 32%, 1 ईयर में 278%। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 ईयर्स में 1% है, 3 ईयर्स में है -1%। बैलेंस शीट चेक करते हैं बैम्सल सिक्योरिटीज लिमिटेड की, March 2010 में जो इसके पास टोटल एसेट थी वो थी 14.43 करोड़ की, और June 2021 में जो टोटल एसेट है वो है 37.32 करोड़। कैश फ्लो चेक करते हैं, March 2010 में जो नेट कैश फ्लो था वो था -0.02 करोड़ का, और March 2020 में जो नेट कैश फ्लो है वो -0 करोड़ का। रेशियो चेक करते हैं, March 2010 में जो इसका ROC था वो 1.12% का था, और March 2021 में जो इसकी ROC है वो है 0.03%। शेयर होल्डिंग पैटर्न करते हैं बैम्सल सिक्योरिटीज लिमिटेड का, September 2018 में प्रमोटर पास जो शेयर थे वो थे 10.83% शेयर थे, और June 2021 में प्रमोटर पास जो शेयर है 10.83% शेयर है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, पहले जितने शेयर प्रमोटर पास थे उतने शेयर्स अभी भी हैं। September 2018 में पब्लिक पास जो शेयर थे 89.17% शेयर थे, और June 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर है 89.1% शेयर है। उसी जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें जो मेन शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और प्रमोटर्स का भी इसमें शेयर होल्डिंग है 10.83% का। इस स्टॉक में FIDI का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोस्तों हमने डिटेल एनालिसिस किया बैम्सल सिक्योरिटीज लिमिटेड का, दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना, किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों हम मिलेंगे किसी ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।